नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विद रौनक। चलिए, जैसे कि हमारे क्वार्टर थ्री के सीरीज चल रही है, तो उसके अंदर एबी मनी का भी आज क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आया, तो उसके ऊपर बात करने से पहले अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बजाना बिल्कुल ना भूलिए। तो एबी मनी लिमिटेड के बारे में बात करते, देखिए इसके अंदर मैंने पहले भी कॉल दिया था जब अच्छी खासी टेरिटरी में शेयर आ गया था, 50 रुपये के 50 रुपये मैंने कॉल दिया था, जब मैंने 60 तक के टारगेट दिया था, 60 तक के टारगेट हमारे हिट हो गए थे। बट अभी भी इसमें मूवमेंट बना, जो आज का रिजल्ट आया, रिजल्ट काफ़ी अच्छा अल्टीमेट आया, कल के दिन इसमें और तेज़ी देखने को मिलेगी। अब जो यहाँ से टारगेट दूंगा उसमें और भी आपको अब ट्रेंडिंग देखने को मिलेगा। देखिए, आदित्य बिरला मनी लिमिटेड के अंदर काम क्या करते हैं, आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, थोड़ा थोड़ा मोटा ओवरव्यू समझ लेते हैं इसके अंदर। तो ये बेसिकली काम क्या करता है आदित्य बिरला मनी लिमिटेड, तो देखिए जो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर होता है उसका भी ट्रेडिंग का डीमेट का वो भी देते हैं ये लोग, ठीक है ना। फाइनेंसली होम फाइनेंस कराते हैं, पर्सनल फाइनेंस कराते हैं, SME फाइनेंस, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, मॉर्गेज फाइनेंस। तो बेसिक काम क्या है इनका, फाइनेंस का, इन्वेस्टिंग का, म्यूचुअल फंड, वेल्थ, इन चीज़ों का काम है, ठीक है। इंश्योरेंस सेक्टर में हेल्थ, नॉन लाइफ, सारे इंश्योरेंस ये लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इनका काम क्या इस चीज़ों का है, तो ये लोग इस चीज़ का काम करते हैं और इनका खुद का ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, ट्रेडिंग का वो भी लोग करते हैं, म्यूचुअल फंड भी देते हैं ये लोग, तो इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं। तो आदित्य बिरला मनी लिमिटेड का वर्किंग ये है। अब इसके अंदर क्या रिजल्ट है उसके ऊपर बात करते हैं, तो चलिए आज के क्वार्टर थ्री का जो रिजल्ट है उसकी बात करते हैं। देखिए, आज रिजल्ट आया था मार्केट बंद होने से पहले, यानी कि रिजल्ट आया था इसका 3 बजे के आसपास, जब मार्केट ओपन थी, पर पूरा आउटकम निकल के नहीं आया था, तो आउटकम अभी 6 बजे तक निकल के आया इसका। तो मैंने सोचा भाई आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि हम लोग इन्वेस्टर के पर्पज से इसमें बायो शेयर को होल्डिंग के पर्पज लेते हैं 10 से 15 दिन के लिए उसके हिसाब से। तो शेयर NSE BSE दोनों पे ये देख सकते हैं, 13 जनवरी 2022 को इसकी अपडेट हुई है, तो बोर्ड मीटिंग हो गई थी, तो बोर्ड मीटिंग में अनाउंसमेंट होने के बाद जो रिजल्ट आया वो जिस पर बात करते, देखिए इनकी सेल हुई है लाख्स के अंदर, इनका रिजल्ट आया क्वार्टर थ्री का। तो इनके टोटल सेल, देखिए टोटल सेल जो इनकी आई है, ये इनकी टोटल सेल आई है, देखिए रेवेन्यू ऑपरेशन से आए इनको 6,026 लाख का, और टोटल अदर इनकम आई इनको 48 लाख की, तो टोटल इनकम हो गई 6,075 लाख की, ठीक है। तो इनकी दिसंबर क्वार्टर के अंदर इनकी सेल आई है 6,075 लाख की, और लास्ट ईयर लास्ट क्वार्टर इनकी सेल थी 58,5802 लाख की, और लास्ट ईयर थी 4,937। तो ईयर वाइज सेल में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिला है, और क्वार्टर क्वार्टर वाइज भी सेल में इजाफा देखने को मिला है। अब चलते इनका टोटल एक्सपेंस तक देखते हैं, देखिए एक्सपेंस तो बढ़ा है, देखिए सेल बढ़ी तो एक्सपेंस भी बढ़ेगा, तो इनके सेल बढ़, इनका एक्सपेंस हुआ है 5,160 लाख का, और लास्ट क्वार्टर था एक्सपेंस इनका 4,893 लाख का, और लास्ट ईयर था इनका 4,339 लाख का। तो ये था, और प्रॉफिट कितना आया इनको, देखिए ऑपरेशन प्रॉफिट आया, ठीक है, तो ऑपरेशन प्रॉफिट इनको आया 945 लाख का, लास्ट क्वार्टर था इनका 909 का, और लास्ट ईयर प्रॉफिट था इनका ऑपरेशन 598 लाख का। तो ईयर ईयर वाइज प्रॉफिट काफ़ी अच्छा देखने को मिला है, और क्वार्टर क्वार्टर वाइज भी प्रॉफिट देखने को मिला है। अब नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, तो हम नेट प्रॉफिट जो इनका आया निकल के, वो नेट प्रॉफिट आया इनको 651, ठीक है 651 इस क्वार्टर में आया, तो लास्ट क्वार्टर था 643, और पिछले ईयर वाइज था 427 लाख का। तो ईयर वाइज भी नेट प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा इजाफा देखने को मिला है आपको, क्वार्टर क्वार्टर वाइज भी नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। और बाकी इनका EPS की बात करें, तो देखिए इस क्वार्टर में EPS है 1.15, लास्ट में था 1.14, उससे पहले था 0.75, तो EPS में 2 गुना ग्रोथ देखने को मिली है ईयर वाइज, क्वार्टर क्वार्टर वाइज 1% की ग्रोथ देखने को, भाई ईयर वाइज काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। मोर ऑफ द कहानी है कि रिजल्ट काफ़ी अल्टीमेट है, इनकी इनकम भी ग्रोथ देखने को मिली, और प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिली है, और EPS में भी ग्रोथ देखने को मिली है। तो मेरे अकॉर्डिंग रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, इसमें तेजी देखने को मिलेगी, आप बता दो क्यों। तो चलिए इसमें बात करते, देखिए इनकी जो सेगमेंट निकल के आ रहा है रेवेन्यू का, तो देखिए ब्रोकिंग के द्वारा, यानी कि जो ट्रेडिंग के द्वारा इनकी सेल हुई है, इनकी सेल हुई है 5,366 लाख की इनकी सेल हुई है दिस क्वार्टर, और पिछले क्वार्टर में थे 4,000, यानी डीमेट जो आपने देखा डीमेट के अकाउंट खुले सबसे ज़्यादा, तो उसमें देखिए इनके सेल का भी हिसाब देखने को मिला है। तो लास्ट क्वार्टर में इनकी सेल थी 4,948, और लास्ट ईयर थे 4,336। तो रेवेन्यू ब्रोकिंग का जो होता, और जो इनकम इन्हें सिक्योरिटी भी देखे, उसमें डाउनफॉल देखने को मिला, अदर इनकम में बेनिफिट देखने को मिल रहा है। तो इनके सबसे ज़्यादा इनकम कहाँ से आई है इस बार की, इस बार इनकम आई है ब्रोकिंग से, ये डीमेट के द्वारा ब्रोकिंग जो है उसके द्वारा इनका सेगमेंट में सबसे ज़्यादा हुआ है इनके अंदर। तो लाइबिलिटीज़ देख लेते हैं, तो लाइबिलिटीज़ के अंदर बढ़त देखने को मिली है आपको, देखिए दिसंबर के अंदर इनकी लाइबिलिटी से 1,08,509 के इस क्वार्टर में लाइबिलिटी से पहले थे
108,130 लाख की थी और पिछले क्वार्टर में थी 76,729। तो ईयर ईयर वाइज लाइबिलिटीज बढ़ी है, लाइबिलिटीज इन्होंने बढ़ाई है, तो लाइबिलिटीज इनकी बढ़ी है। ब्रोकिंग की लाइबिलिटीज बढ़ी है इनकी, ठीक है। ब्रोकिंग की लाइबिलिटीज तो कम हुई है क्वार्टर क्वार्टर में, इनकी गेन सिक्योरिटी है उन पर लाइबिलिटी इनकी बढ़ी है। तो बेसिकली इनकी लाइबिलिटीज इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इनके पास काम भी अच्छा खासा दिख रहा है। तो मॉरल तो कहानी ये है कि इसका क्वार्टर थ्री का जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छा है, इनके सेल में इजाफा देखने को मिला हमें और इनका नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। तो मैंने हर बार आपको बोलता हूँ कि किसी भी कंपनी के पास सेल नहीं आएगी जब तक उसका प्रॉफिट अनअच्छे की बात नहीं करेंगे। तो हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से ये क्वार्टर थ्री का जो रिजल्ट आया था आदित्य बिरला मनी लिमिटेड के अंदर, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, बहुत अच्छा आउटकम निकल के आया रिजल्ट का। जिस तरह से मार्केट ने सोचा था उस तरह से इन्होंने रिजल्ट भी दिया है। अब चलते हैं इसका थोड़ा सा, इसका चलते हैं इसके अंदर इसका थोड़ा सा और देखते हैं इसका मार्केट कैप कितना हो गया। अब इसका मार्केट कैप हो गया 423 करोड़ का मार्केट कैप हो गया। स्टॉक पी हो गया 19 का, स्टॉक आरओसी हो गया 12.8% का और बुक वैल्यू 10 रुपये की हो गई है और रिटर्न ऑफ इक्विटी हो गया 39.8% का। डिविडेंड कंपनी नहीं देती है, फेस वैल्यू इसकी 1 रुपये की है। अब इसमें देखिए कंपनी ने अपने डिलीवरी मेंटेन रखा है, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ मेंटेन रखे 69.41% के हिसाब से और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी मेंटेन रखे 36.17% का। अब इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, दिसंबर क्वार्टर में कितनी शेयर होल्डिंग हुई है तो ये भी चलते हैं समझते। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर की होल्डिंग है, यहाँ पर प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग मेंटेन रखी लास्ट क्वार्टर से भी, तो 73.70% है प्रमोटर की होल्डिंग। FIS ने इस क्वार्टर में FIS ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, ये सबसे अच्छा इंडिकेशन है। प्लस पॉइंट ये है कि दिसंबर क्वार्टर के अंदर प्रमोटर FIS ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है फॉरेन इन्वेस्टर ने, तो 0.19 करिए, पहले 0.1 थी वो बढ़ के हुए 0.19। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स में इंडिकेशन दिया हमारे को, ये बहुत अच्छा पॉइंट साइन है कि फॉरेन इन्वेस्टर में इसमें इन्वेस्टिंग आई है और पब्लिक की होल्डिंग इसमें 26.11, तो ये बहुत अच्छी बात है। फॉरेन इन्वेस्टर में इसमें 0.19% के हिसाब से होल्डिंग ली है, ये एक इंडिकेशन है शेयर के अंदर तेजी का भी। अब चलते हैं इसके अंदर क्या है, देखिए क्वार्टर ये देखेंगे आप तो टिकर टेप के साइड पे आ गया हूँ, इन्वेस्टिंग ब्रोकिंग की साइड है। तो ईयर ईयर वाइज कंपनी अच्छे खासे रिजल्ट देती है, अच्छे खासा रेवेन्यू अर्न कर रही है। देखिए नेट प्रॉफिट राइज करा 53% नेट प्रॉफिट राइज करा स्टैंड लॉट के अंदर क्वार्टर दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट के अंदर। अब चलते हैं शेयर के अंदर आज के दिन हुआ क्या, तो आदित्य बिरला मनी के अंदर आज ये 4.5% तेजी के साथ ये बंद हुआ है, कल इसमें और तेजी देखने को मिलेगी। तो आज ये ओपन होता 73.10 पर, हाई मारा 76.45 का, लो मारा 72 रुपये का, 52 हाईएस्ट का 88.80, 52 लो है 39.20 का, ठीक है। अब इसके चलते चार्ट के अंदर सीधी सीधी कहानी खत्म करते हैं। तो ये देखिए मैंने इसका वीकली चार्ट ओपन कर लिया, तो वीकली चार्ट पे एक हर्डल बना हुआ है, ये यहाँ से 88 रुपये के 52 हाई तोड़ेगा। आप जिस तरह से इसका ब्रेकआउट देखने को मिला डेली वीकली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे लास्ट वीक इसमें ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद से इसमें तेजी देखने को मिली है क्योंकि हटकल थी, यानी कि ये शेयर 69-70 के ऊपर नहीं जा रहा था, 70 के ऊपर जैसे ही गया इसमें और तेजी देखने को मिल गई। तो हमें क्या करना है, अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो इसमें 65 रुपये के स्टॉप लॉस अभी भी आप इसमें बाय कर सकते हैं। अगर आपके पास है अभी भी इसे होल्ड रखिए, तो स्टॉप लॉस हमें रखना है 65 का 65 रुपये का। तो यहाँ से जो पहला टारगेट निकल के आ रहा है, मेरा पहला टारगेट यहाँ से आ रहा है 80 रुपये का, दूसरा टारगेट यहाँ से आएगा मेरा 85 का, तीसरा टारगेट मेरा 90 रुपये का। ये 1 वीक के अंदर सारे टारगेट हिट होंगे, जिस तरह से चार्ट का जिस तरह से रिजल्ट का इंपैक्ट देखने को मिलेगा 10 दिन के अंदर सारे टारगेट हिट हो जाएंगे, 90 तक के टारगेट आपको इसी दिख जाएंगे। अपना 52 हाई बेसिकली तोड़ देगा ये, जिस बहुत अच्छे रिजल्ट आया इसका। ये देखिए यहाँ पर राउंडिंग पैटर्न बन चुका है, यहाँ पे MACD पे अप ट्रेंडिंग फोन आपको दिख रहा है, ये देखिए RSI हमारा 68 का वो जा चुका है। ये इंडिकेशन हमारे को दिख चुके हैं, अब वीकली चार्ट पर, अब डेली चार्ट पर चलते हैं हम लोग। तो डेली चार्ट पर अच्छे खासा इंडिकेशन दिख रहा है, आज के दिन लगातार 3 दिन से अच्छी खासी गिरावट होती है, आज के दिन जो ये बुलिश कैंडल बना के खत्म हुआ है ऊपर की तरफ ही, तो ये इंडिकेशन दे रहा है जो इन्वर्टेड हैमर बंदी जो कैंडल, ये इंडिकेशन हमारे को तेजी का इंडिकेशन दे रहा है। तो इंडिकेशन के साथ हम चलेंगे, तो हमें क्या करना है 65 के स्टॉप लॉस बाय करिए। और इंडिकेशन कवरिंग कैसे हुई है, देखिए MACD पर अच्छे खासे स्लाइडली मूव हो चुकी है, RSI हमारा 60-73 का वो हो चुका है, तो इंडिकेशन हमें काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। और देखिए ये इंडिकेशन, देखिए ये जो राउंडिंग पैटर्न पूरा बन चुका है, यानी कि शेयर अब चल रहा है हमारा, शेयर जो चल रहा है हमारा 5 मंथ्स के हाई पे शेयर है, और ये मैंने आपको बताया था 88 का 52 हाई तोड़ा, ये डेफिनेटली तोड़ेगा, 90 तक के टारगेट आपको इजीली दिख जाएंगे। तो अभी भी शेयर के अंदर बहुत अच्छा मूवमेंट दिख रहा है चार्ट वाइज भी, और जो उसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट है उसमें भी बहुत अच्छा इंपैक्ट देखने को मिला है, रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अल्टीमेट रिजल्ट है। अभी शेयर में धमाका होने को तैयारी बैठा, कल के दिन आप उसमें धमाका देखेंगे आप, तो डेफिनेटली आपके पास ऐसे होल्ड रखिए और फ्रेश बाइंग भी इसे कर सकते हैं, 90 तक के टारगेट आपको इजीली दिख जाएंगे आपको। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।